नमस्ते प्रणाम, हम खेसारी लाल यादव आप सबके गोर छुके गोर लगता नहीं। थोड़ा सा नींद पूरा नहीं खेल ऐसे जे 5 बजे शूटिंग खेले बने, फिर रो सबके प्यार और आशीर्वाद करती फिर आगे नहीं काम करे। आज हमारे गाना के जो टीजर रिलीज भेल बा, जाना गाना के नाम बा रोमांटिक राजा, ब्लू बीट स्टूडियो से। तर वो लोग ढेर सब्सक्राइब करी और अपन प्यार और आशीर्वाद दी, और जना के डांस मास्टर मुदस्सर खान जी, सिप्रा गोयल सिंगर और एक्टर, और पूरा टीम है। कुणाल वर्मा जो उनकी बारिश गाना लिखे थे, वो बहुत सारा तुम ही जाना ये भी गाना उनका ही लिखा हुआ था। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद खेसारी लाल यादव को तरह का कामना इस गाने पे भी कर रहा हूँ मैं, कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे मिलेगा। और आज से 2-3 दिन पहले मैं लाइव आया था, तो उसमें मैंने किसी का नाम लिया था, क्योंकि मैं बड़ा मानता था और बड़ा है भी, और मैं हमेशा बस रिलेशन को लेकर चलने वाला आदमी हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरा समाज हो या मेरा भाषा हो, इसलिए मैं किसी का नाम ले लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे नाम नहीं लेते हैं, वो लाइव हो या कहीं भी हो नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि उनके नाम लेने से मैं स्टार बन जाऊंगा। आपके नाम लेने से पहले से हूं मैं, और आपके नाम लेने और ना लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अगर आपको ये लगता है कि आप मेरा नाम ले लेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो आप खुद को बड़ा करके दिखाओ, वही बेहतर है। और स्टेज पे इंसान को अच्छे से गाना चाहिए, दारू पी के नहीं गाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है दारू पी के गाना। आप कब क्या बोल जाओगे, एक रामायण में चौपाई है कि मति के गति रति भूत बढ़ाई, अजो जन जतन जहां ले पाई, जो जितना जानता है उतने में ही खेलता है। और एक शब्द कि मेरे खींचे हुए लकीरों पे दुनिया चलती है, कुछ लोगों के अहंकार है कि वो लकीर खींचे हैं, तो भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया, श्रद्धा सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, महेंद्र मिश्र जी ने कुछ नहीं किया, हनुमान पट्ठा ने कुछ नहीं किया, भरत शर्मा जी ने कुछ नहीं किया, गोपाल राय मदन राय हमारे मनोज तिवारी मृदुल जी जो कि भोजपुरी के वचन हैं, वो कहा जाए कि मैंने कहीं ना कहीं उन्होंने एक रास्ता बनाया, अगर वो ये वो शब्द बोलते तो शायद मुझे अच्छा लगता, रवि किशन जी बोलते तो अच्छा लगता, इनके दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोलते तो अच्छा लगता। और कंपटीशन में मैं कभी रखा ही नहीं, कंपटीशन नहीं करता मैं, काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने की। और मैं अगर 2-3 दिन पहले लाइव भी आया था ना, तो मैंने नाम लिया था, ठीक है, मैं एक नंबर हूँ, 2 नंबर हूँ, ये मैंने उसमें नहीं बोला है, मैंने भोजपुरी भाषा को बताया कि हमारा भोजपुरी भाषा 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, मैं हूँ चाहे अदर पर्सन कोई भी है, तो वहां पे वो इंसान नहीं, वहां पे हमारा भाषा 1 नंबर 2 नंबर पे है। तो ठीक है, बड़े होने से नहीं, कुछ लोगों के शरीर बढ़ जाते हैं, बुद्धि का विवेक नहीं बढ़ता है, शरीर बढ़ने से इंसान बड़ा नहीं होता है। कि हाँ आप बड़े पैदा हुए हैं, बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, लेकिन विचारधारा भी तो रखिए, स्टेज पे ऐसे कर रहे हैं क्या है ये, आप ही के पास है वो, सबके पास है ना, दारू पी के नहीं गाना चाहिए, गलत बात है, ये शिक्षा है जी, दारू पी के स्टेज पे गाना जाता है, हैं? और ऐसे ऐसे शब्द, छी मैं तो शर्म से मर जाऊं इस टाइप का शब्द बोलो। लाइव में कुछ भी करते हैं आप, क्या ड्रामा है, और लकीर सॉरी, मैं जब मैं इस धरती पे आया था ना, तो मैं मानता हूँ मेरी आवाज अच्छी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं मुझे, मैं गाता अच्छा नहीं हूँ फिर भी लोग पसंद करते हैं, मैं नाचता अच्छा नहीं हूँ फिर भी लोग पसंद करते हैं, मैं कुछ अच्छा नहीं करता फिर भी दुनिया मुझे प्यार करती है। तो ये आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं करता और मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, पर दुनिया को पता है, क्योंकि ये दुनिया ये जनता सब जानता है कि आप क्या जानते हैं। तो यह अहंकार दिमाग से हटा दीजिए, माँ सरस्वती ने अच्छी आवाज दी है, उसके बाद क्या मिला,
उसके बाद क्या है आपके पास? अब आप विवाद ही चाहते हैं तो ये ऐसे जो स्टेज पे करना और दारू पी के और लकीर खींचना लोग गाएंगे, तो मैं हिंदी के लोगों से गाना अपने बस अपने भाषा को बुलवाया, चाहे वो सलमान खान जी हों या बादशाह जी हों, मैंने अपने भाषा को बुलवाया बड़े बड़े स्टेजों पे, बड़े बड़े शो में, अपने गाने में। मैं फोटो तस्वीर शेयर नहीं करता किसी का, मुझे शौक नहीं है कि मैं इनके साथ तस्वीर खिंचवा लूँ। मैं उतना उस लेवल का बनना चाहता हूँ अपने जनता और अपने पब्लिक और जनता के प्यार से, और मैं सबके लिए उतना ही सक्रिय हूँ, उतना ही ईमानदार हूँ। मैं अपने जनता के लिए भी उतना ही ईमानदार हूँ, चाहे वो गरीबी हो या मुझे स्टार्डम दिखाने का कोई शौक नहीं रहता। है क्या है घंटा है कुछ भी शेर है कम ची, मैंने क्या है बेमतलब के, पर कोई शर्म नहीं आती स्टेज पे दारू पी के कुछ भी बोलने में। क्या है, क्या हो गया है भाई? आप समाज की एक जाने माने हस्ती हैं, थे गोबर सिंह हो गए कुछ भी, भगवान ने मुंह दिया है ना तो खाना और अच्छी शब्द बोलने का, पोटी नहीं करने का मुंह से, कुछ भी। और ये दुनिया जानती है मुझे, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे। खुद तो नाच लो यार, खुद कब नाचोगे यार? मेरे पास कुछ नहीं था, अच्छी आवाज नहीं थी, अच्छी शक्ल नहीं थी, अच्छी बॉडी नहीं थी, अच्छा डांस नहीं था, अच्छा एक्टिंग नहीं था, अच्छा गायकी नहीं था। मैंने सब दिखाया, बॉडी भी बनाया, बाउंसर नहीं लगता हूं, हीरो लगता हूं। दारू पी के कुछ भी बोलते हैं आप, यह अहंकार कहां से आ गया भाई कि मैं चुप हूं, मैं चुप हूं? क्यों चुप है भाई? और बोले तो पोटी कर दिए, चुप थे तो ठीक था, और बोले तो एकदम स्टेज पे छितार दिए, लूज मोशन मुहे से कुछ भी। आप लकीर खींच, कौन होते हैं लकीर खींचने वाले? भोजपुरी आपके लकीर से चलता है? एक अहंकार कहां से आया? ये जितने हमारे छोटे भाई लोग जो गाते हैं बजाते हैं, चाहे वो विधा झाल से गाकर हो या रामायण हो या महाभारत हो, ये लोग को कुछ नहीं है। भोजपुरी के भगवान है आप, कहां से अहंकार आ गया? ये भगवान माने क्या है? क्या मिला है आपसे भाई भोजपुरी को? भगवान ने मुंह दिया है ना तो खाना खाने के लिए दिया है, अच्छे शब्दों को और समाज के बीच में रखने के लिए दिया है। स्टेज पे दारू पी के और कुछ भी बोला जाएगा? कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इसको नचाएंगे, आपने जिसने को सोचा नहीं होगा। कब आप कब नाचेंगे? आप थोड़ा आप भी नाचा करिए यार, हीरो हैं। खाली भगवान सरस्वती ने आवाज अच्छी दी, उसके बाद आपने अपने लिए क्या किया आपको नहीं पता है? और मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये जनता मुझे दे दी है और जनता मुझे जानती है कि मैं क्या हूं। मैं अपने फैमिली के लिए भी उतना ही सक्रिय हूं, मैं अपने बच्चों के लिए उतना ही सक्रिय हूं, अपने जनता के लिए उतना ही सक्रिय हूं, अपने बीवी को भी उतना ही टाइम देता हूं, अपने जनता को भी उतना ही टाइम देता हूं। मैं नहीं सोता, उसके बावजूद भी मैं सबको उतना ही, और मुझे दिखाना नहीं लगता है मेरे पास ये है, मेरे पास वो, मेरे पास मैं मेरे मेरे मेरा काम करने वाले लोग रेंज रोवर से चढ़ते हैं, क्योंकि उनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचता हूं। मैं सबकी इज्जत करता हूं, मेरे राइटर फॉर्चूनर से चलते हैं क्योंकि मैं उनके लिखे हुए सॉन्ग को गाकर यहां तक पहुंचा हूं। तो हमारे जीवन में वो राइटर नहीं, वो मेरे घर के सदस्य हैं। मैं कभी किसी को ना राइटर माना ना म्यूजिक डायरेक्टर माना, मैं उनका अपना परिवार का हिस्सा मानता हूं। किस बात का लकीर है भाई, कि कौन सा बड़ा लकीर है? आप स्टेज पे इस टाइप की हरकतें, ऐसे क्या है ये? आप समाज में गए हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपसे भविष्य
भोजपुरी का है? कुछ भी है जीवन में कुछ तो अच्छा करिए, किसी के लिए तो ईमानदार होइए आप, न घर के लिए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए, क्यों खाली यही में जीवन में कुछ भी है, है, मतलब के मुंह फाड़ के फालतू में मतलब हमारा हंसी है बताइए यार। रोमांटिक राजा आज मेरा गाना रिलीज हुआ, मैं उसके लिए लाइव आने वाला था। कहां से बेमतलब के लकीर फकीर ये वो दुनिया जहान क्या है, हम फोटो डालते हैं, हम गवाते हैं, सलमान खान जैसे लोग भी भोजपुरी बोलने में फक्र महसूस करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सामने मेरा भाई खड़ा है, भोजपुरी का एक बेटा खड़ा है। हमें स्टार नहीं है, हमें नहीं बनना है स्टार भाई। और क्यों हम आपके बनाए हुए रास्ते पे चले, हम पिए हैं है? हम भी पिए हैं खूब दम भर दबा के स्टेजों पे पिए हैं, यह लकीर है आपका। आप चुप थे तो ठीक था, आप मत बोलिए, आप बोलते नहीं है, आप पोटी कर देते हैं, मुंह से भगवान ने दिया है ना तो आप बोलते ही नहीं है, आप पोटी कर देते हैं, तो बोलिए तो कुछ अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग रखिए आप, वो बेहतर रहेगा ताकि वो आपको शब्द के भाषा का गरिमा समझाए आपको। अब कंपटीशन मैं मानता था कि हाँ, क्योंकि मैं कंपटीशन किया ही नहीं किसी से और ना ही करना चाहता हूँ और ना ही मुझे करना है। कंपटीशन करने वाला मेरे हिसाब से होना चाहिए ना, उसको डांस भी आना चाहिए, उसकी अच्छी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, उसको मेरी तरह मेहनत करना भी आना चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे आप, मुंह से बोल देने से होता है। गुरबका ही हमेशा हमेशा पागलों जैसा बात करना, अरे बड़े हैं, गरिमा बरकरार रखिए आप, हम मानते हैं बड़े हैं, तो बड़े हैं तो बड़े वाला स्वभाव भी तो होना चाहिए, स्वभाव तो होना चाहिए ना, बड़प्पन, बड़ वही होता है जिसमें बड़प्पन होता है, ठीक है, बड़प्पन है या नहीं है, बड़े हैं हम, शेर है, शेर शेर ना जी, चिकंदर है, शेर है। आप मजबूर कर दिए ये शब्द मुझे, हम 5 बजे ले काम कोई नहीं है, रात भर सोगा देख ले बने, प्लीज आप यही लकीर मत खींचे कि हम भी दारू पी के स्टेज पे जाए, यही समाज को शिक्षा दे रहे हैं आप, और आप लकीर खींच रहे हैं, आप कौन होते हैं भोजपुरी का लकीर खींचने वाला भाई, भिखारी ठाकुर का कोई योगदान नहीं। क्यों योगदान नहीं, आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी भाषा में अदर भाषा में लोग जाकर 5,000 में काम करते हैं, अब काम का भी दाम होता है क्या, भाषा का भी दाम होता है, कौन क्या करता है नहीं करता है आप जैसे लोग डिसाइड करेंगे और आपके हिसाब से दुनिया चलेगी। ये जनता प्यार करती है उस दिन तक है करते रहिए, ये जिस दिन आपका आपके सर से चाहे मेरे सर से किसी के भी सर से अगर आशीर्वाद हटा देगी उस दिन समझ में आएगा जी कौन क्या है। और ईमानदार बनिए रिश्तों के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ईमानदार बनिए। ईमानदारी आपके अपने अपने अंदर नहीं है तो क्या किसी को सलाह दीजिएगा भाई यार, आपकी आपकी सलाह की जरूरत नहीं है खेसारी लाल यादव की। भोजपुरी में मैं जो कर दिया हूं वो दुनिया करेगी, कितने साल पुराने हो यार, 150 साल से आज बड़का धरती पर तू है, 150 साल एलियन हो का तू, तू पैदा नहीं खो फैल उतार ले बड़ो। लकीर खींचे की बात करते रहे मर्दे, कौन सा लकीर है आपका, अच्छे आवाज के अलावा कौन कोई लकीर है आपके पास, क्या सीखेंगे हम आपसे वो बता दीजिए, अच्छा डांस करते हैं, अच्छी बॉडी है, अच्छा गाने के अलावा, अच्छी आवाज के अलावा क्या सिखाइएगा आप हमें वो बता दीजिए, हम सीखते हैं आपसे, दौड़बा हमारे संगे 2 किलोमीटर दौड़बा, समझ में आ जाइए, दौड़ के देखा वो
स्टेज प्रोग्राम के बाद बा आधा किलोमीटर दूरी पर गायब 4 घंटा गई बो ना गा पाई बो। कंपटीशन हम उनसे करते हैं ना जो हमारे लायक होते हैं, जो हमें हमारी ऊर्जा को मैच कर दें। आपके बस की पूरे जीवन है, पूरे जीवन का। अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। काहे कहते हैं हमने दूसरा जन्म लेने के परी यही जन्म में कम टोंग के लिए बनी का दूसरा जन्म हम ली है। शर्म नहीं आता है आपको बोलने में? दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ेगा दूसरा जन्म भाई? हम इसी जन्म में इतना कर देंगे ना कि धरती जब तक रहेगी तब तक मुझे याद करेगी, दूसरा जन्म लेने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं इतना अच्छा कर्म कर जाऊंगा, चाहे वह मेरे परिवार का हो लिए हो, मेरी बीवी के लिए हो, मेरे माँ के लिए हो, मेरे पूरे समाज के लिए हो, मेरे भाषा के लिए हो, मैं इतना कर जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब का बेटा था, हूं और आज भी रहूंगा और आजीवन रहूंगा। आपके जैसी आवाज भगवान ने मुझे नहीं दी तो उसका ताना मुझे मत मारिए आप। भगवान ने दिया है आपको, लेकिन मैं इस दुनिया में आने के बाद सब कुछ अपने मेहनत के बदौलत बनाया, लोगों के प्यार के बदौलत बनाया। अच्छी आवाज के अलावा आपके अंदर एक गुण हो तो पूरी इंडस्ट्री बता दे। ये शब्द बहुत बुरा लगा मुझे कि ये है मेरे क्या है बात तेरा लगेगा वो। अरे भगवान ने जुबान दिया है, स्टेज की गरिमा का समझिए आप। अब स्टेज की गरिमा क्या होती है? बड़े हैं आप, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। ये कर दिया तो दुनिया कर रही है, कुछ भी अपने मन में नाम, अपना मन में शाम सुना रहा। लोग कहे कि बुटना बाप मोले पानी में बेटा का नाम पंडू किया है, आ गई ना बगने जर गई। सारा मुहावरा आप पे फिट होता है। और मेरे कुछ फैन नाराज थे कि आप नाम क्यों लेते हैं। अब नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लगता था कि बड़ा और छोटा का सम्मान होता है यहां पे, सम्मान हमेशा रहेगी। बट किसी को लगता है कि वो मेरा नाम ले लेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। सॉरी हेलो, किस दुनिया में जीते हैं? आपके भी खानदान से कुछ लोग आते हैं, उनको क्या नहीं स्टार बना देते नाम लेके? आपके बस का है किसी को स्टारडम देना? आप खुद की जगह को बचाइए ना पहले, उसके बाद दुनिया को मत लीजिए नाम, बुलाई लो ना। सॉरी, और आप मेरे कंपटीशन में नहीं है, ना थे ना रहेंगे, कभी नहीं रखा मैं कंपटीशन में, और ये पूरी दुनिया जानती है। पहले अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाइए, अपने लोगों के लिए ईमानदार हो जाइए। आपके साथ इतने सारे लोग लिखते हैं, कितने लोगों का नाम दुनिया जानती है बताइए ना मुझे। मेरे साथ शुरू से लेकर, चाहे कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी, पवन पांडे से लेकर, अखिलेश कश्यप से लेकर, कुंदन प्रीत से लेकर, आजाद से लेकर, श्याम से लेकर, कवि जी से लेकर, जितने लोग मेरे साथ गाना लिखे, मेरे साथ रहे, आज देखिए कितना खुश हैं, सुखी हैं, और पूरी दुनिया भी उनको जानती है क्योंकि मैं अपने साथ साथ सबकी पहचान बताता हूं। स्टेज पे जाता हूं तो उनको वो सम्मान देता हूं क्योंकि मुझे आता है। आपको सम्मान आता नहीं देने, कहां से दीजिएगा? वो तो खून में नहीं है आपके, वो तो आपके विचारधारा में नहीं है सम्मान। 5,000 में दूसरे भाषा के लिए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कौन नाच रहा है? और कौन सी हिंदी की बात कर रहे हैं? आपसे पहले हिंदी कर चुका हूं मैं, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा कब का है, 2014 का ग्लोबल बाबा सिनेमा, जानते हैं पंकज त्रिपाठी जी, अभिमन्नु जी हैं, माही गिल के साथ गाना किया था मैं। तो छोड़ दीजिए ये सब, मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं भोजपुरी भाषा को और कहां लेके हम लोग जाएं। मैंने उस विचारधारा पे बात किया था कि हम एक नंबर है, दो नंबर है, ये मायने नहीं रखता। हमारा भोजपुरी भाषा कहां है ये मायने रखता है। मैं इस शब्द पे बात किया था, मैं किसी को नीचा दिखाने वाला बात नहीं किया था भाई मेरे। आप जाकर मेरा वो वीडियो देखिए और सुनिए, लेकिन वो तो करेंगे नहीं, दारू पी के कुछ भी बोलना उल्टा सीधा है, पागल हो गए हैं क्या जी आप? बुरबका ही करते रहते हैं है? सर दर्द होने लगा मेरा,
दारू पी लेते हैं दिनों में, दारू रूपी के ये सब होता है। समाज को मेंटेन करना सीखिए। हमारा ज्यादा चिल्लाया वाला है, हम चिल्ला दे ना तो नस फट जाए, जा गई। सम्मान करता हूं तो सम्मान करवाना सीखिए। जो मुंडी नीचे किया ना स्टेज पे, वहीं से हमें दिमाग, तू तो जानते रह के हमें ठेवनवा में दिमाग रहेला, तो के पता तो बा ना। आप गरिमा है, भाषा का गरिमा है, आप भोजपुरी समाज के धरोहर हैं। आप ये मत बोलिए कि हमने लकीर खींची है, का खींचले बड़ा जले का, हाँ ये खींचले बड़ा लकीर नहीं का खींचले भैया, हाँ ही खींच ले बड़ा, जितना खींचे के बाद ये में तो तार इमें तो तरह के अवार्ड देवे के चाहिए है। भिखारी ठाकुर ने कुछ नहीं किया हमारी भाषा के लिए, वो तो ऐसा ही आई ले ड्रामा का भी चल गई ले। सरदार सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया है इन लोगों को बताना, लोगों को बताना पड़ रहा है आपको, तो फिर क्यों किया है? काहे मैंने कहा कि लोग के बतावे के पड़ता कि मैंने ये किया मैंने वो किया, लोगों को पता होना चाहिए आपने ये किया वो किया, क्यों पता नहीं है? ढेर पावर हो गई बा, ताकत हो गई बा, कुछ लोगों के ढेरे लागत है जो कुछ ज्यादा ही हो गई बा, तो जितना लोग के लागत है ना कि खेसारिया बहुत कमजोर बा, तो तू लो हमारे से एक दिन लड़िए लो, एक दिन अखाड़ा पूरा भोजपुरी में अखाड़ा खोला जाओ, उनके कुश्ती कर लिया, तब समझ में आ जाए केकरा लगे कितना ताकत बा। हम 5 बजे ले काम करनी, ऐसा ही हम फ्रस्ट्रेट बनी, हम रोज यही काम करते नहीं, वही में बेमतलब के कुछ भी है। आज रोमांटिक राजा रिलीज हुआ था, मेरा महंगा वीडियो बना है तो मुझे खुशी है इस बात का, हम कह रहे हैं ना। मुदस्सर खान जी ने कोरियोग्राफ किया, ठीक है आपको उन्होंने पहले किया तो अच्छी बात है ना, उसको अच्छा बोलिए, उसको और ऊंचाई दीजिए कि हमारे और भी भाई जो नीचे हम लोग से बाद में आए हैं इस दुनिया में, इस हमके बाद जो गा रहे हैं वो लोग भी बड़े बड़े चीजों को लेकर आए, उसको अप्रिशिएट करिए। हमने जो किया हमने जो किया हमने क्या क्या किए, घेवड़ा किया कुछ नहीं, मतलब किया छोड़िए जाइए महाराज, हम पागल आदमी से बात कर रहे हैं, हम तो जानते हैं, हम आज भी सम्मान करते हैं कल भी करेंगे, वो हमारे खून में है, हमारे खून में है, हम सम्मान करते हैं लोगों के। आपके पैर छूने से मैं छोटा नहीं होता और ना ही होकूंगा, वो आपका नेचर है जो आप मुझे कंपटीशन में रखते हैं, बट मैं आपको नहीं रखता कंपटीशन में, रखने के लिए उस लायक भी लोग होना चाहिए, कंपटीशन में मैं नहीं रखता, मुझे मेरी कंपटीशन खुद से होती है, ठीक है। हंसी आ रहा है मुझे, नहीं इतनी अहंकार के साथ स्टेज शेयर ना करें आप प्लीज, और दुनिया को ये बताने की जरूरत जिस दिन आपको पड़ी कि मैंने ए किया मैंने ओ किया, उस दिन आप कुछ नहीं किए, ये दुनिया को बताने की जरूरत पड़ रही है आपको, करिए अच्छी बात है, हमें तो खुशी होती है कि हम लोग जब अच्छे लेवल पे अच्छे दूसरे भाषा के लोग हमारे बीच में हमारी भाषा को गाते हैं भाषा को बोलते हैं, तो हमें तो खुशी है कि भाई हमारा भाषा बड़ा हो रहा है, हमारी भोजपुरी बड़ी हो रही है, वहां खेसारी माने खेसारी से भोजपुरी है कि किसी अदर आदमी से, कि आपसे भोजपुरी है, भोजपुरी का अलग स्थान है, भोजपुरी में हम है और भोजपुरी से दो रोटी खाते हैं हम, भोजपुरी के लोगों का प्यार पाके, तो ये अहंकार कोई ना पाले कि उसके वजह से भोजपुरी का अस्तित्व है। सॉरी हेलो, आप पहले पैदा हुए थे कि भोजपुरी पहले पैदा हुआ था? हम इस दुनिया में आए हैं एक भोजपुरी समाज में पैदा होकर, लेकिन हम भोजपुरी समाज में पैदा हम हुए हैं, हमसे भोजपुरी पैदा नहीं हुआ है, इस भोजपुरी समाज में हमारे बाप को भी पैदा किया है,
ये कौन सा है कि हमने लकीर लका लकीर लकीर खींचे। इतने हमारे जो महापुरुष हैं विष्णु ओझा से लेकर भरत शर्मा जी से लेकर कमलवास कुंवर तक, ये जितने भी भोजपुरी के भाषा कमलाकांत मिश्रा हो या गौतम तूफान जी हो या महात्म तिवारी जी हो, बलिराम बाबा हो, विजेंद्र गिरी हो, चाहे ये जितने भी धरोहर हैं हमारे धरती के, महेंद्र मिश्र से लेकर हनुमान पट्टा तक, भरत शर्मा से लेकर गोपाल राय जी से लेकर मदन राय जी से विष्णु ओझा जी से लेकर, ये जितने भी हमारे धरोहर हैं, ये इन्होंने कुछ नहीं किया, आपने लकीर खींचा क्योंकि आप सबसे पहले पैदा हुए। ये लोग तो आपके बाद में, आपको गोद में सब लोग खेले हैं, भिखारी चाचा भी को गोद में खिलाए हैं आप, क्या है दारू पी के कुछ भी। प्रणाम, अगर मेरे बातों को किसी को बुरा लगा हो तो सो सॉरी, आप सब माफ करिएगा, लेकिन कुछ शब्द मुझे यहां लगी, ये है, आप ऐसे बोले स्टेज पे कोई दारू पी के, तो मैं भी तो चुप नहीं रह सकता ना, मुझे भी तो लगता है, भगवान करे आप और सफलता लेके समाज के लिए ईमानदार, अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाइए, और ये सब करके स्टेज पे नहीं, गलत बात है, स्टेज पे नहीं। अब रोमांटिक राजा को आप लोग इतना प्यार दे दो कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम क्या है, हम क्या, हम दो शब्द बोल भी देते हैं तो ट्रेंडिंग में आ जाता है। ये मेरा अपना कुछ नहीं है, ये लोगों की मोहब्बत है, ये लोगों का प्यार है, तो हमें इन पे इनका कर्जा अदा तो हम कर नहीं सकते, तो कम हमने एक खुशी जताया कि आप लोगों ने इतने एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चाहे जो भी ट्रेंडिंग में आप लाते हो, तो मैंने खुशी जाहिर की कि हमारा भाषा इतना बड़ा हो रहा है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम होने लगी कि अपने आप को एक नंबर किया, तो एक नंबर में तक घेवड़ा बोली क्या बोली है, एक नंबर में मैं तक कहीं कि पांच नंबर में मैं बराबर के आदमी है। चलिए प्रणाम भैया, नमस्ते, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही खेसरिया पे बनाए रखिए, मैं आपका हूं और मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है, और आज से किसी का नाम नहीं लूंगा, भाई लोग जो भी नाराज हैं, आप लोग सही थे, मैं गलत था, मुझे लगता था कि नहीं भाई, लेकिन सम्मान हमेशा रहेगी, हमेशा करूंगा, आजीवन एक बड़ा और छोटे वाला जो सिस्टम है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर संस्कार है, मरा नहीं है और आजीवन रखूंगा। लव यू रोमांटिक राजा को इतना प्यार दे दो पगले जे हिल जाए।